मेरा जो सपना है ना, सिर्फ छोरा ही पूरा कर सकता है। क्या होया भाई साहब? देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। क्यों मारा? गीता बबीता ने मारा है। चल छोरी होते बेटिया, आग कैसे नहीं मारेंगे पापा? पहले यो बता, मारिया कैसे? उसने मना कुतिया बोला तो मैं तो चुप रह गई, लेकिन उसने बबीता को कमी नहीं कह दिया। बस मनाला पक्के उसके पेट में दे मारिया घुसन। इधर से दूसरा वाला भी आ गया। मन ने उसके बाढ़ पकड़ के नीचे पटक दिया और पीठ पे कोस दिया। मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। आज के बाद गीता बबीता ना चूल्हा चौका करेंगी ना झाड़ू पोछा। आज के बाद ये सिर्फ पहलवानी करेंगे। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? गाँव वाले के बोलेंगे? कब तक बोलेंगे? छोरियों के हाथ पैर टूट गए तो जुड़वा लेवेंगे। पैसे कहाँ से आवेंगे? पता नहीं। अपनी जुनून के लिए छोरियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। बस एक साड़ा दे मन ने। छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के? जी थोड़ा फंड मिल जाता तो काफी हेल्प हो जाती। देखो महावीर सिंह जी, स्पोर्ट्स कोटे में फंड आता है इतना, रेसलिंग को मिलता है इतना। जेंट रेसलिंग हटा दो, कोचिंग, डाइटिंग, ट्रैवलिंग, इक्विपमेंट वगैरह निकाल दो तो लेडीज रेसलिंग के लिए बचता है इतना। और इतने किताब लड्डू ले आए। मैट के पैसे दे रहे हैं। मैं माँ मर रही है सड़ों की। यू मैट के होता है भाई साहब? रह सिंथेटिक गद्दे होते हैं जिन पर पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। गद्दे तो गद्दे होते हैं भाई साहब। मैं आ रहा हूं पटियाला। आज के बाद ना आपको एनएसए में आने की अनुमति है, ना इन दोनों को एनएसए से बाहर जाने की। ये लोग मन्ना भीतर जाने से रोक सके हैं, पर गीता को कोचिंग देने से मन्ना कोई ना रोक सके। इस मैच की रिकॉर्डिंग है तेरे पास? हर मैच की है पापा, लाइब्रेरी में। सबकी एक एक कॉपी कोरियर कर दे। बुरा नहीं मानना ताऊ जी, छोरियां थोड़ी कमजोर है। रे जानना है के तेरे में? आप छोरियों से पहलवानी करवा रहे हो, लेकिन मेरे चौके में मुर्गा ना बनेगा बस। रे समझा कर, पहलवानों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तू चाहती है तेरी छोरियां कमजोर पहलवान बने? मैं कुछ नहीं जानती। मेरे चौके में मुर्गा ना बनेगा तो ना बनेगा। ओमकार जी, चूल्हा बनाना आता है तन्ने? नहीं ताऊ जी। तो सीख ले। मट्टी में कुश्ती कर करके सारे बाल खराब हो रहे हैं। इसका तो जूम भी पड़ गई। शाम को 8 मारी है। यो है असली प्रॉब्लम। ठीक है, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। चल पापा प्लीज, हमने कोई प्रॉब्लम ना है, उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज पापा बाढ़ मत कटवाओ। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दिया। काश भगवान ने ऐसा बाप बने दिया होता। थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है, वरना यहाँ तो हाल यूं है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका। और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले। तो फिर चुन ले किससे हारना है तन्ने। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरी छोरी डर से तो जीत गई है। सर, गीता को नेशनल के लिए तैयार कराना है। सर देख भाई, 2 महीने हैं तो तू भूल जा। छोरी का ब्याह होता तो कुछ सोच लेता। आपके फैसले मेरी समझ में तो ना आते। मेरे पास और कोई चारा ना था। उम्मीद तो मैं छोड़ने से रहा, तो नौकरी छोड़ दी। गीता का नेचुरल गेम अटैकिंग है। आपने टेक्निक के चक्कर में फंसा के उसका गेम ही उल्टा कर दिया। तो वही बात हो गई कि सहवाग को बोला जाए कि भाई तू द्रविड़ की तरिया खेल, ना सहवाग रह जाएगा और ना द्रविड़ बन पावेगा। जितना खाना है अभी खा लो, क्योंकि आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। और पहलवानों को गोलगप्पे, चूरन, अचार, चटपटा, जो सब तुम दोनों को पसंद है ना, वो सब खाना मना है। वो तन्ने पटक नहीं दे रहा है और तू खा रही है। सॉरी पापा। बेटा यो कुश्ती है, 3 सॉरी में खेल खत्म हो जाता है। सेकंड होते हैं, उस 1 सेकंड का इंतजार कर जब सामने वाला गलती करे।